से ब्रिटिश कॉलोनिया क्षेत्र सही ग्रह में श्री राम मंदिर अमोक राशि अमोक शर्मा शपथ में को हम अपना अपना नाम लिख दिए। मम यह जन्म ही जन्मांतरे बाद कृतकायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम च तथा विष्णु प्रसन्नता प्रसन्नार्थम प्रसन्नतार्थम व्याघ्रपद गोत्रोत्पन्नाय व्याघ्रपद गार्ग वशिष्ठ त्रिपुरवराय देवमीर वर्मण प्रपौत्राय शूरसेन वर्मण पौत्राय वसुदेव वर्मण पुत्राय अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकाय दामोदराय श्रीधराय वराय शिशुरसी कन्यात्रे अमोक गोत्रस्य आलम्बाय गोत्रम आलम्बाय गौतमेति त्रिपुरवराय विश्वकर्मा प्रपौत्रीन एवं प्रजापते पौत्रीन तथा ईश्वर से पुत्रीन श्री तुलसी नामनीम आयुष्मतीम श्री रूपणीम श्री कृष्ण वराक्षिणीम वृंदावन निवासिनीम वृंदावन रूपणीम कन्याम यथाशक्तिरंतताम यथाशक्ति उपकल्पित यौतुक युताम प्रजापति देवता पुराणों के शत्रुणीकृत ज्योतिषोम अतिरात्र समस्त फल का प्राप्ति काम हम समस्त पृथ्वीनाम निर्तिशय निर्तिशय सानंद ब्रह्म लोकावाप्ति कामनादि तुलसीदान संकल्पोक्त फलवाप्ते एक विंशति पुरुषोद्धरण वैकुंठ भवन गमन तत्त्वस्य विपुल भोगोपभोक्तनन्तरं विष्णुसायुज प्राप्त्यर्थं ब्राह्म विवाह विधिना श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये देवगुरु ब्राह्मणाग्नि समिधौ अग्नि साक्षी गया संप्रदेय। अब मन में ऐसी भावना करें कि हमने कन्यादान किया है, तुलसी जी का हम दान कर रहे हैं, तुलसी जी जो हैं इनको हम भगवान नारायण को दान कर रहे हैं और यथाशक्ति जो कुछ हमसे बन सकेगा उस कन्यादान में हम अर्पण करेंगे और ऐसा मंदिर के लिए या भगवान के लिए ऐसा सोच करके, और हमारे जो पितृगण हैं उन सबको भी आनंद मिलेगा, प्रसन्न होंगे कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तुलसी को भगवान के साथ विवाह कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो 21 पीढ़ियां हैं, हमारे माता की 21 पीढ़ियां और पिता की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है ऐसी शुभ भावना करते हुए, और सारे लोग वैकुंठ भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं और हम लोगों को भी खूब अच्छा भोग मिलेगा, अच्छे सब सारे सुख संसार के मिलेंगे और विष्णु भगवान का सायुज प्राप्त होगा, और ऐसे देवताओं के सामने ब्राह्मण के सामने गुरु के सामने और हम कन्यादान करके और तुलसी जी को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तुलसी करण संपन्न भाग जोड़ के प्रार्थना कीजिए कनिका भरणेता दास्यामी विष्णवे तुभ्यम ब्रह्म लोक जिगीषया हे नारायण हे शालिग्राम, हम इस तुलसी देवी को आप अर्पण कर रहे हैं क्योंकि इससे हम लोगों को ब्रह्म लोक में निवास मिलेगा। ओ मनादि मध्य रहितम त्रैलोक प्रतिपालक आयुमान ग्रहण तुलसी विवाह विघ्नेश्वर हे परमात्मा, आप इस तुलसी को ग्रहण करें विवाह विधि से स्वीकार करें। पार्वती विज सम्भूताम वृंजाम भस्म संस्थान अनादिमति निधनाम पल्लवान्त धनाम्य हम हयो भटैश्च सेवा भी कन्या वृत्ता मया, ये पार्वती ने जो बीज दिया था वही बीज जो हमने बोया है और वो तुलसी के रूप में आज प्राप्त है, कन्या के रूप में हम उसको भी दान कर रहे हैं, तो हमने इसका संबोधन किया है, इस कन्या को पाला जाता है, हमने घर में इसको पाला है और हम आपको कन्यादान के रूप में दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। पत्र कन्यादान प्रतिघाताम दक्षिणाम दद्या, तो उसमें थोड़ा सा कन्यादान के दोष की शांति करने के लिए थोड़ा सा जो वर की ओर से जिनको है थोड़ा जो अपने को समझते हैं भगवान की ओर से वो थोड़ा सा उस दान कर दें। जय लोग के नाथ देवी सब सर्वभूत दया निधे दानी हमें सुखी सदा शांति प्रियने, अतः आचार्य थोड़ी सी हवन पर लगी हुई आचदेव स्थित्वा सवितुः प्रसभे अश्विनौ बाहुभ्यां उष्णरस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ॐ द्यौत्वा ददातु पृथिवीव त्वा प्रतिगृह्णातु ॐ स्वस्तित्युक्त्वा लक्षाङ्गुष्ठत्वेन प्रतिकल्पैकथितं तुलसीपल्लवं गृहीत्वा कामसुतिं पठेत् ॐ कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामैकत्ते, थोड़ा सा तिल और कुशा ले लीजिए। ओम विष्णु
सारे पुष्प योगी है, फूल है, सावन है, ये तुलसी रूप कन्यादान करना फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इदम सुवर्ण अग्निदेवतम थोड़ा कुछ कॉइन भी दे दे अग्निदेवतम दामोदराय बराय तुभ्यम संप्रदे। और तुलसी को हाथ में लेके भगवान को अर्पण कर दीजिए। ब्रह्मो भवेशनादि परिक्षणांतम कृत्वा परोक्षण संस्थापय अग्नि संपूज्य अग्नि स्थापित करिए, अग्नि जला लीजिए। अग्नि जला लो थोड़ी अग्नि, ओमिदूतम प्रोतदेह विवाह प्रभे देवान आसादया दिह। सभी लोग अग्नि देवता का ध्यान करेंगे। ओम चत्वारि श्रृंगा तय से पादा द्वे शीर्षे सत्य हस्ता सो सिद्धा बद्धो बृहस्पो दो रवीति महो देवो मत्यम आविवेश मुखम यो सर्वदेवानाम अभिभुक्ता विभुक्तथा पितृणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ओम अग्ने सांगिने गोत्रने सर्वदेवतां मुख मम सम्मुखो भव पावकाग्नये नमः। थोड़ा सा गंध पुष्प धूप दी नैवेद्य थोड़ा सा मीठा करा दीजिए अग्नि में, प्रणाम कर लीजिए अग्नि देवता को, नमस्कार कर लीजिए, थोड़ी आहुति दे देंगे घी और सामग्री से। ओम भोः स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम भोः स्वाहा इदम् वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा इदम् सूर्याय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम धन्वन्तराये स्वाहा इदम् धन्वन्तराये नमः। ओम विष्णुभ्यो देवेभ्यो स्वाहा इदम् विष्णुभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये नमः। ओम अग्नये शिष्यकृते स्वाहा इदम् अग्नये शिष्यकृते नमः। ओम देवकृते संस्कृतमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम मनुष्यकृते संस्कृतमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम प्रतिकृत संस्कृतमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम आत्मकृत संस्कृतमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम निरंतरमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम यच्चामिनो विद्वान् सकार यच्च विद्वान् तत्सर्व संस्कृतमसि स्वाहा इदम् अग्नये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये। ओम इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये। सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय। ओम भू स्वाहा इदम् भूः। ओम भुव स्वाहा इदम् भुवः। ओम स्व स्वाहा इदम् स्वः। एता महाव्याहते ओम पन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हीरो अवैदासिशिष्टाः यजिष्ठो वर्णितमशोषितानो विश्वाद्वेषागुंसि प्रमुदस्मत् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां। सत्वर्णो अग्ने वमो भवो कि निर्दिष्टवस्य उषसोऽभ्युष्टौ अवयक्ष्वर्णो वर्णगुं रवाणो वीः व्रडीतगुं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम्। उमयाश्चाग्नेस्य नभिषष्टिपाश्च सत्त्वमित्तुमया असि यानो यज्ञं वहासि यानो देहि वेदरगुं स्वाहा इदमग्नये। ओं ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञाय साक्षादृता महान्ता ते विर्णो अद्य सवितोऽथ विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मर्ता स्वर्का स्वाहा इदं सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो वरुभ्यः स्वर्गेभ्यः। ओम उदुत्तमं वरुणं पार्श्वमस्मत् वाधमं विमध्यमगुं सथाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो हृदये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा बोलिए सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते केशवाय स्वाहा। स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा।
स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा स्वाहा ओम मधुसूदनाय स्वाहा स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीधराय स्वाहा ओम ऋषिकेशाय स्वाहा स्वाहा ओम पद्मनाभाय स्वाहा स्वाहा ओम दामोदराय स्वाहा स्वाहा ओम केन्द्राय स्वाहा स्वाहा ओम वासुदेवाय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम गदिने स्वाहा ओम चक्रिणे स्वाहा ओम विश्वसेनाय स्वाहा ओम वैकुंठेशाय स्वाहा ओम जनार्दनाय स्वाहा ओम मुकुंदाय स्वाहा ओम मनोक्षजाय स्वाहा प्रार्थना करें ओम उत्तिष्ठ संकग्नो तिष्ठ अम्बोधिकारक पूर्वरूपधरोत्तिष्ठ त्रैलोक्ये मंगलं कुरु हिरण्यकशिपुघ्न त्वं प्रह्लाद नन्ददायक लक्ष्मीकांत नमस्तेस्तु त्रैलोक्ये मंगलं कुरु वैकुण्ठं गच्छ भगवन् तुलसीचरितं प्रभो मत्कृतं पूजनं गृह्य संतुष्टो सर्वदा। हाँ, तुलसी को लेकर के भगवान तुलसी को आगे करके आप सब लोग परिक्रमा करें, चार फेरे जो फिरते हैं भावर। तुलसी को लेकर के प्रदक्षिणा क्लॉक वाइज आप ये लोग सामने इधर। हाँ, सभी लोग करेंगे जैसा कर सकते हैं। आगे आप यहाँ कर लें तो करना चाहिए अग्नि के साथ और जो संभव करें। चार प्रदक्षिणा होंगी, अपनी जगह भी कर सकते हैं या तो अपनी जगह कर ले अगर कठिन होता हो। धीरे धीरे चार परिक्रमा करेंगे तुलसी की। आपने अपने गाने की अभी गाने अभी गाने आई डोंट नो नवल जी जरा देंगे। नवल जी प्रॉपर बताएंगे। नवल जी नवल नवल मैं सोच रही कि म्यूजिक ही लगा दूं बांसुरी या तारतार। हाँ, गाड़ी पे छोड़ दिया था लगता है। हाँ, वो पड़ोसी पास का रखा हुआ है। वो एक गाड़ी से गिर गया होगा। हो सकता है। हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे हाँ हाँ मैं आपको देख रहा था गाड़ी। मैं गई मैं तो यहाँ चेक कर रही थी। मैं गई मुझे बुलाई मैं वहाँ तक मगन भई तुलसी राम गुण गाई थे। मगन भई तुलसी राम गुण गाई थे। राम गुण गाई थे हरि गुण गाई थे। राम गुण गाई थे हरि गुण गाई थे। मगन भई मगन भई तुलसी हरि गुण गाए के। सब कोई चले जोगी पाल गीत 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 गाए के। सब चले पाए पाए बचाए चले पाए बचाए मगन भई तुलसी हरि गुण गाए। मगन भई तुलसी हरि गुण गाए। हरि गुण गाए के हरि गुण गाए के हरि गुण गाए के। मगन भई तुलसी हरि गुण गाए के। मगन
गई तुलसी हरि गुण गाई के 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 मगन भई तुलसी हरि गुण गाई के मगन भई तुलसी हरि गुण गाई के तुलसी महारानी नमो नमः महारानी नमो नमः वृंदा महारानी नमो नमः वृंदा महारानी नमो नमः नमो नमो मैया नमो नमः नमो नमो मैया नमो नमः श्री महारानी नमो नमः तुलसी महारानी जाको परस परस अगनाश जाको परस परस अगनाश जाको परस परस अगनाश जाको परस परस अगनाश महिमा में पुराण पठानी नमो परिक्रमा हो गए आप लोग बैठ जाए कन्या को अभी आगे भगवान पहले तुलसी को अपने आपने आगे स्वामी जी सबकी नहीं अभी सबकी नहीं अभी या तो बोलो खुला खुला घर को डर तो सबको सब सबकी करिए आराम से करिए हर तुलसी की चार चार परिक्रमा करिए खुला खुला करो क्या करना पड़ती थी बस चार करके आगे जाके सहस मंजरी को मग जाके सहस मंजरी को मगि कमल लखानी नमो पूरण तप की मन धन तुलसी पूर्ण तप की मन धन तुलसी पूर्ण तप की मन धन तुलसी पूर्ण तप की राम महापानी नमो राम हे सारिक राम महापानी नमो महारानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो
और हल्दी या सिंदूर जो भी है आपके पास
फिर से एक बार तुलसी जी को लगाइए, अपना कीजिए जैसे कन्या की मांग भरी जाती है उसको, और करके और दान करना है संसर प्रणीता विमो कांतम कुया तथो यजमान आचार्य गोषय्या संभव्या अंत्य रौप्य से प्रतिमा सहिताम दामोदर प्रतिमा सुरद्या। यहाँ पर आप सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी तुलसी को और भगवान के सामने रखेंगे, सब लोग भगवान के सिंहासन के पास लाके सब लोग यहाँ रख देंगे, एक एक करके आएंगे आराम से तुलसी के साथ, जो कुछ भी आपको दक्षिणा आदि जो कुछ भी देना होगा भगवान को चढ़ा देंगे और अपन कर देंगे तुलसी को, जो भी कुछ है उसमें जो सोना चांदी हीरे मोती जो भी आप लेके आए होंगे, नहीं तो आपका मन, आप ही बहुत अच्छे हैं, आपका मन बहुत बहुमूल्य है, अपने मन को भगवान को अर्पण करेंगे सभी लोग, अपनी अपनी तुलसी को भगवान के सामने रख दें क्योंकि कन्यादान हो गया अपने पास नहीं रखेंगे, भगवान के पास विराजमान करें। विवाह कराने में पंडित जी को भी दान करना है और उसमें हाँ अभी होता है तो दक्षिणा ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणाम से ब्राह्मणे अध्यात हमारे राकेश पंडित जी भी विराजमान है और जो भी हमारे वीरू पंडित जी भी हैं और सब ब्राह्मणों को दान कीजिए जितना भी करो, और कहते हैं भूयसी दक्षिणा ब्राह्मणे को दक्षिणा लेकर के और निष्ठान देन सिद्धान नितान भोजित्वा मिठाई से भोजन से सबको भोजन कराना होता है और आचार्य को तुलसी सहित भगवान को अब भगवान को बिठाएंगे डोली में और उनको डोली में बिठाइए और डोली में बिठा करके उनको भगवान को सब सिरिका के ऊपर बिठा के उनको भगवान डोली में तुलसी के साथ भगवान को बिठाएंगे। तुलसी के सहित ठीक रखते हैं, देखते जरा ठीक रखते हैं नीचे रखा लो। डोली में जो हाँ डोली में उठाएंगे तुलसी को और सारे ग्राम को डोली में बिठाकर फिर यहाँ पर मंगल गीत गाएंगे, नाचेंगे, गीति जी भजन गाएंगे। हमें भजन अपना काम मैं ऐसे ही खड़ी होकर करती हूँ, बस मुझे एक माइक दे दो आप। डोरी लुटा करके देखो गीत गाएंगे सभी लोग, प्रेमी गीत गा रही है जरा देखो। हरी अब आ जाओ, हरी अब आ जाओ, करश दिखला जाओ, हरी अब आ जाओ। Oh,
तुलसी विवाह की बड़ी भारी परंपरा है। इसमें शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में बहुत कथाएं हैं तुलसी विवाह के संबंध में। कि जालंधर नाम का एक राक्षस था और उसने बड़ा उत्पात मचाया था, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा वीर था। और जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बड़ी पतिव्रता थी और पत्नी जो कुछ भी अच्छा सदाचार करती थी, को हम लोग आशीर्वाद लेते हैं ना, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में पत्नी से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं होती है, पत्नी की स्वाभाविक ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं। यदि हमारी पत्नी पतिव्रता है, हमारी पत्नी का आचार विचार अच्छा है, वो पूजा करती है, तो जैसा कहते हैं कि पति की पूजा का फल पत्नी को आधा मिल जाता है, तो पत्नी की भी सदाचार का फल पति को मिलता है। ये सब कथा है जालंधर के संबंध में। अपनी पत्नी की पतिव्रत धर्म से, उसकी तपस्या से, उसकी पूजा से वो विश्व विजयी हो गया, सर्व विजयी हो गया। और यहां तक कि उसने देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। सब लोग जालंधर के उपद्रवों से भयभीत हो गए, विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने बहुत सोच विचार कर और वृंदा का वो तपस्या उसको भंग करने की करने का निश्चय किया। तो योग माया के द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फेंकवा दिया। विष्णु भगवान के साथ उसकी लड़ाई युद्ध चल रहा था और वृंदा को वो शव अपने पति के जैसा दिखाई पड़ा। उसने समझा मेरा पति मर गया है, तो विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए, बोले बेटी तुम विलाप कर रही हो और तुम कहो तो मैं इस शरीर को जीवित कर सकता हूँ, इसमें जीवन डाल सकता हूँ। साधु ने उस मरे हुए शरीर में जान डाल दी। भाव के अतिरेक में आकर वृंदा को लगा मेरा पति जीवित हो गया है, झट से वो उसके साथ निपट गई। लेकिन शास्त्रों में अब ये हम लोग कैनेडा में आकर हक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना भी होती है, इमोशन भी होती है। बाप बेटी भी हक करते हैं, भाई बहन भी हक करते हैं, लेकिन भावना अच्छी होती है। लेकिन यहाँ तो अपना पति समझ करके भाव में, इमोशन में, शी वॉज इमोशन एंड शी ट्रस्ट दैट पर्सन दैट वॉज नॉट हर हस्बैंड। वृंदा ने उसका आलिंगन किया तो कहते हैं उसका पति धर्म नष्ट हो गया। बाद में फिर ये किसने किया है, ये विष्णु ने किया है, विष्णु ने मेरा धर्म नष्ट करवा दिया। तो इस प्रकार से उसका पति, वृंदा का पति जो जालंधर था, वृंदा ही आगे तुलसी बनेगी, थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध करके विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुमने मुझे छल से मेरे पति को मारा है, तो तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। ऐसा कहकर के वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई और विष्णु अपने छल छल पर बड़े लज्जित हो गए। और देवता और ऋषियों ने उनको समझाया, पार्वती ने वृंदा की चिता भस्म में, जो वृंदा जल गई थी अपने पति के साथ जालंधर के साथ, उसमें आंवला, मालती और तुलसी के बीज डाले। तो फिर आंवले का पौधा और मालती का पौधा और तुलसी का पौधा, ये वृंदा का रूप है। विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझ लिया। मगर कालांतर में अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा, ये कथा है। और ऐसी भी कथा है, वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ और तुम्हारा मन काला है तो तुम काले बनो। आपने देखा शालिग्राम भगवान, वो काले पत्थर हैं। वैसे भगवान को पत्थर नहीं कहा जाता, लेकिन भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान ने कहा, देखो वृंदा,
मैं साधारण पुरुष नहीं हूँ, संसारी लोग ऐसे किसी स्त्री के साथ संपर्क करते हैं उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुमको लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम करता हूँ। और ये तुम्हारे सखीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। वो वृंदा तुलसी बनी, भागवत रामायण ने कहा आज हूँ तुलसी का हरि ही प्रिय, तुलसी का भगवान ने वही वृंदा का तो अच्छा किया वृंदा के साथ, लेकिन उसको किसी पुरुष के साथ ऐसे ही वो जो जो उसको टच किया था उससे ही उसका धर्म नष्ट हुआ था, तो उसने श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओगे। तो ये भगवान ने कहा मैं पत्थर बनूंगा लेकिन मैं शालिग्राम रहूंगा, गंडकी नदी से जो पत्थर निकलता है शालिग्राम होता है, और वृंदा के साप से उसको कीड़े खाते हैं, और उसमें शालिग्राम में गोल्ड रहता है, सोना रहता है। तो विष्णु वो लक्ष्मी लक्ष्मी हम लोग जो हमारे जो ज्वेलर्स लोग हैं वो तो शालिग्राम को अपने साथ रखते हैं और सोने को घिस के उसकी परीक्षा करते हैं, वो शालिग्राम ही होते हैं जो कसौटी जो बोलते हैं वो लोग, क्योंकि भगवान की सोने की परीक्षा लक्ष्मी जी की परीक्षा भगवान ही कर सकते हैं। तो तुलसी दल सारे भगवान ने कहा मैं पत्थर बनूंगा तुम्हारे कहने से लेकिन तुम तुलसी बनोगी, तो तुम्हारे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। तो तुलसी शालिग्राम को चढ़ती हैं, आज भी तुलसी दल तुलसी मंजरी अगर तुलसी दल के अगर शालिग्राम के साथ उसको नहीं शादी करते तो वो अधूरी मानी जाती है। तो आज भी तुलसी विवाह होता है, बड़ी धूमधाम से होता है, तुलसी को कन्या मानकर व्रत किया जाता है। आप लोगों ने बड़ी तपस्या की, आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, विष्णु भगवान को कन्यादान करके जो तुलसी विवाह संपन्न करते हैं तुलसी की पूजा करने का बड़ा भारी महात्म्य है, उनको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होता है। एक छोटी सी पौराणिक कथा है सुन लीजिए तुलसी विवाह की, बहुत लंबी नहीं है। परिवार में कई बार हमारे यहाँ होता है कि ननद और भाभी का झगड़ा रहता है। ननद कौन है माने जो जो हमारे सिस्टर इन लॉ होती है अपने भाई की, ब्रदर्स वाइफ भाभी हो गई, और ननद है ब्रदर्स वाइफ जो हमारे उसके हमारी बहन हस्बैंड सिस्टर इस ननद। तो ननद तो ये कहते हैं परिवार में ननद भाभी रहती थी, अभी ननद का ब्याह नहीं हुआ था लेकिन ननद जो थी वो लड़की वो ब्यूटीफुल एंड बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी समझदार लड़की थी, लेकिन तुलसी की पूजा करती थी, अपने घर में तुलसी की सेवा करती थी, तुलसी को गमले में लगाती थी, उनको पानी देती थी, लेकिन भाभी को ये अच्छा नहीं लगता था। ये क्या करती रहती है ऐसे, पता नहीं इतने सारे पेड़ लगा दिए हैं ये, और ये कई बार भाभी इनको जल दे दिया करो, मैं कहीं जाती हूँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई होती है, तो तुम भाभी कहती मैं कभी जल नहीं दूंगी, तेरी तुलसी को उठा के फेंक दूंगी। इस तरह से भाभी को अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी भाभी बोलती थी जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरे लिए कोई मिठाई नहीं बनवाऊंगी, भोजन नहीं बनवाऊंगी, तेरे बरातियों को तेरे पति को तुझको तुलसी खाने को दे दूंगी, बस तुलसी खाया करना, और तेरे दहेज में कम से कम तुलसी के 50-100 गमले दे दूंगी, ऐसा कहा करते थे। अब समय आया ननद की शादी हो गई, शादी हुई तो उसको भाभी 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 अब तुम उसने समझा कि मेरी भाभी झूठ मूठ को हंसी करती है तो पैसे देगी, उसने कहा नहीं नहीं मैं तुझे तुलसी दूंगी। सारी बारात आ गई और बारात के सामने तुलसी का गमला, ये लो तुम्हारी इसने जो तुम्हारी जो पत्नी है न उसको कहा ले जाकर, जो कन्या है इसने ये दहेज रखा संभाल कर, ये लो ये दहेज, तुलसी का गमला ले जाकर और सामने पटक के मारा, वो गमला मिट्टी का था वो फोड़ गया, गमला फोड़ दिया, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ लोग देखने लगे वो गमला फूटा हुआ पड़ा है, तो महात्मा आए उन्होंने उठा करके उसको किसी टेबल पर रख दिया, वो टेबल पर उसको पत्थर उसके छोटे छोटे जो जो टुकड़े हो गए थे उसको रखते जाए तो रखते जाए तो वो पिज्जा बन गया, और वो रखते जाए तो वो मिठाई बन गई,
कहीं भालू साहेब बन गए, कहीं बर्फी बन गए, कहीं लड्डू बन गए, वो सारे के सारे बहुत बढ़िया। और अब जो तुलसी की जो मंजरी जहां जहां गिरी थी, वो मंजरी जो थी वो गहने बन गए, उसके सुंदर सोने के रत्न के बन गए, क्यों? उसकी तो सच्ची श्रद्धा थी ना तुलसी को। हम लोग कहते हैं सालिग्राम को पत्थर नहीं समझना, तुलसी को पेड़ मत समझना। तुलसी इज नॉट प्लांट, तुलसी इज गॉडेस, तुलसी माता है, तुलसी जगदम्बा है, लक्ष्मी के समान। इसलिए तुलसी पौधा नहीं है, तुलसी को झूठा पानी नहीं चढ़ाते कभी भी, शुद्ध नहा धोकर तुलसी को, बिना नहाए तुलसी को जल नहीं चढ़ाते, ऐसी भावना रखते। ऐसे गुरु को मनुष्य नहीं समझते, गंगा जी को नदी नहीं समझते, गंगा जल को पानी नहीं समझते। तो क्या हुआ तुलसी की, वो क्या किया उसकी भाभी ने तुलसी की मंजरी की माला बना दी, और माला ले जाकर बोलो जी ये तुम्हारी, हम अपनी लड़की को कन्या को ये माला पहना रहे हैं, यही हमारे हीरे समझ लो, ये रत्न समझ लो, हमने तो यही पाले, इसके घर में तुलसी तुलसियां हैं। तो वहां वो माला पहना दी, तो माला जो थी वो डायमंड बन गए, जो माला जो वो सारी, और उसको उसके हाथों में भी लगा दिया, यहाँ भी यहाँ भी। अब उसको देखे तो जहां जहां वो लड़की बोले ऐसी तो लड़की हमने आज तक सजे नहीं देखी नहीं, इसके हाथों में भी डायमंड, इसके गहने हैं, हीरे हैं, मोती हैं, सोना है, चांदी है। अब क्या हुआ, अब सोने के आभूषणों में बदल गई सारी मंजरी, वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी को जनेऊ चढ़ाते हैं तो तुलसी का जनेऊ, तुलसी को जो मौली चढ़ाते हैं, मौली बोले ये लो कपड़े, दहेज तुम्हारी लड़की के लिए, दुल्हन का दहेज, ये दहेज ले जाओ। वो दहेज जो थे वो रेशमी दुपट्टे बन गए, रेशमी साड़ियां बन गई, ऊनी शॉल बन गए। वो सारा ससुराल में जब वो लड़की पहुंची, उसकी भाभी ने तो कोई दहेज दिया नहीं, लेकिन वहां दहेज देखने के लिए सब लोग आए, बोले देखो कितना डायमंड, कितना जेवर, कितना सोना, कितने गहने, कितनी मिठाइयां, कितना सब कुछ भेजा है। सब सब लोग अचंभा करने लगे, कई दिन तक लोग देखने आते रहे। तब उसको भाभी ने पता चला, भाभी को टेलीफोन आए, भाभी को समाचार मिला कि तुमने जो उसके साथ जो किया था, गमला फोड़ दिया था, वो सब तो उसका तो भलाई हो गया, उसकी तो सुंदर मिठाई बन गई, सारी सारे बरातियों ने वो जो तुमने गमले ले लेकर फोड़े थे सबने मिठाई खाई, सबको बहुत बढ़िया मीठा मिला। और उसके बाद में जो तुमने जो उसको तुलसी की माला पहनाई थी, मंजरी पहनाई थी, वो सारी की सारी वो बढ़िया डायमंड बन गए, हीरे बन गए, हार बन गए। भाभी की भी एक लड़की थी, वो अपनी लड़की का उसके समझ में आता कि तुलसी की पूजा करने से, तुलसी को जल चढ़ाने से, तुलसी भगवान के भोग में तुलसी दल रखने से बड़ा भारी पुण्य होता है। वो अपनी लड़की को कहने लगी कि देख मेरी ननद तुलसी की सेवा करती थी, वो तो उसको तो लड़का भी बहुत अच्छा मिल गया, जिससे और उसको लड़की। और मजे की बात यह है कि जिस लड़के के साथ ब्याह किया था वो लड़का भी उन्होंने ऐसे ही ढूंढ लिया था, कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब से वो घर में गई वो लड़की, वो लड़के ने एडमिशन ले लिया और लड़का बड़ी अच्छी पोस्ट पर चला गया, वो लड़का भी बड़ा ऑफिसर बन गया, और वो लड़की भी उसको राज्य करने लगी, अपनी बेटी को कहने लगी उसकी भाभी के देख मेरी ननद को मैं बहुत विरोध करती थी, लेकिन वो तुलसी की पूजा किया करती थी, अरे तू तुलसी की पूजा किया कर, तेरी बुआ की तरह से तुझे अच्छा घर मिलेगा, तुझे अच्छा लड़का मिल, अति अच्छा पति मिल जाएगा, और तुझे भी बहुत कुछ, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन लड़की का मन तुलसी में पूजा में लगता नहीं था। आप कभी कभी ध्यान रखना, बुरा मत मानना, एक बार हमसे आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो सूख जाता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं वो तुलसी का पौधा कहीं से सूखा हुआ अपने घर में ले आते हैं, वो भी हरा हो जाता है। तो ये ऐसा, अगर हमारे हाथ से तुलसी का पौधा सूखता है तो आपने समझना चाहिए कि हमारे भीतर कोई कमी तो नहीं है क्या, और उस कमी को निकालना चाहिए, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, जप बढ़ाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए क्या हुआ, लड़की का विवाह का जब समय आया तो जबरदस्ती उसकी भाभी कहती थे तुलसी लगा, लेकिन ना तो उसकी भाभी की तुलसी लगे और ना उसके हाथ पे तुलसी लगे, और तुलसी जब सूख जाए
बड़ी मुश्किल हो गई। क्या हुआ? लड़की के विवाह के समय जो आया, भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया था उसको तो इतनी इज्जत मिल गई, मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा करती हूँ। वो कहीं से बाजार से तुलसी खरीद लाई, घर में तो तुलसी थी नहीं, कहीं से ले आई किसी के पड़ोस के घर से, और तुलसी ला करके उसने जबरदस्ती ढोंग करके वो अरे तो उसने स्वाभाविक रूप से गमला फोड़ा था गुस्से में। इमोशन जो होती है नेचुरल इमोशन, और आज वो नेचुरल नहीं था। अब जानबूझकर अपनी लड़की के विवाह में उसने गमला लेकर फेंक दिया, जो गमला तोड़ दिया, बरातियों के सामने रखा, लेकिन वो देखते हैं मिठाई बनेगा, खेंगे बालूशाही बनेगा, रबड़ी बनेगा, पिज्जा बनेगा, कुछ भी नहीं बना। सब बरातियों ने वो ले ले करके वहां फिर लड़की वाले को फेंक फेंक के मारा, ये हमको ये क्या तुमने फेंका है, और सब वहां तो झगड़ा हो गया, बड़ी लड़ाई झगड़े होने लग गए। और मंदिरी और पत्ते उसने अपनी लड़की को भी पहनाए थे, जनेऊ पहनाए था, वो भी मंदिरी मंदिरी रह गई, पत्ते पत्ते रह गए, जनेऊ जनेऊ रह गया। सारे बराती लोग भाभी की बुराई करने लगे, ये कैसी है लड़की की माँ है, ये कैसे अपशगुन करती है, तुलसी ला करके कमला फोड़ दिया और यहाँ आकर के क्या करने लग गई है, जनेऊ डाल दिया, जनेऊ को ऐसे नहीं फेंकते। सब लोग भाभी नरद को कभी भी अपने घर नहीं बुलाती। भाई ने सोचा कि मेरी घरवाली तो अपने मेरी बहन को अपने घर बुलाती नहीं, तो मुझे अपनी बहन के घर जाना चाहिए। भाई एक दिन मन में सोच करके अपनी बहन के पास गया और उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई, मैं तुम्हारी बहन के तुम्हारी ननद के पास जाना चाहता हूँ, ऐसा करो अपनी ननद के लिए, कम से कम तुम बहुत झगड़ा करती थी, लड़ाई करती थी, कुछ उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ शगुन दे दो ना, उसके लिए कोई मिठाई हो, तुम्हारे घर में कोई सामान हो, कुछ रुपया पैसा जो भी कहोगी उसको सौगात कुछ दे दो, मैं ले जाता हूँ, सौगात की पिटाई कोई भी भर करके दे दो। उसने कहा ठीक है मैं भर देती हूँ। एक ऐसे ही उसने कोई बर्तन लिया और बर्तन के ऊपर जैसे हम लोग कोई बढ़िया रेशमी कपड़ा बांध देते हैं या कोई आजकल तो कपड़े कोई पेपर बांध देते हैं ना, चमकीला चमकीला सा पेपर बांध देते हैं, और उसमें तो क्या हुआ उसको लेकर के उसने क्या किया, इसने ज्वार भर दी, ज्वार ज्वार स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेन, ज्वार जैसे मक्का है ऐसे ही ज्वार, ज्वार शोरगम या तो वो भर दिया और उसको भर करके बोली मेरे घर में कुछ नहीं है ये ले जाओ। बेचारा दुखी मन से चला और बहन के घर में भला कोई ज्वार लेके जाता, बहन के घर में कोई मिठाई ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं, अपने घर में कोई बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, उसको रुपया पैसा देते हैं, वस्त्र ले जाते हैं, आभूषण ले जाते हैं। उसने क्या किया, पहले सोचा मेरी घरवाली तो पता नहीं, मेरी बहन को बहुत गालियां देती थी, उसको गुस्सा करती थी, पता नहीं देखो खोल के कुछ अच्छी चीज है कि इसमें, बहन को क्या बोलेगी, क्या मेरा भाई क्या लेके आया है। उसने खोल के देखा, जहां उसकी गाय बंधी हुई थी गौशाला के पास खोल के देखा तो उसमें ज्वार देखा, ज्वार देख करके उसने उसको उलट दिया, फेंक दिया गौशाला में ही फेंक दिया। बोले ये क्या, अपनी बहन को ले जाऊंगा। तो जैसे उसने फेंका तो वहां से बड़ी जोर से आवाज आई खनकने की, सोने और चांदी और हीरे की आवाज आई खनक खन 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 खन। बोले सब लोग दौड़कर आए, अरे वो उसकी बहन भी दौड़ के, भैया तुमने क्या गिराया है, देखा, अरे भैया तुमने ये सारे डायमंड क्यों गिरा दिए, तुमने सोने के ये सोने कहां, इतना सारा सोना कहां चले आए, मेरी भाभी ने मुझे दिया है। देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थॉट देखिए, उसने सारे सोने मोती गाय के आगे, भैया यहां क्यों डाल दिया तुमने। उसको भाई देखता रह गया कि मैंने तो ज्वार फेंकी थी, इसकी भाई ने तो वो सब, इसकी भाभी ने तो ज्वार डाली थी, लेकिन ये क्या हो गया, सोना मोती लेकर के बहन बड़ी प्रसन्न हो गई। तो तुलसी की पूजा का फल जैसा उस बहन को मिला, ऐसा फल आप लोगों को भी मिले, आप लोगों को ऐसी तुलसी की हमारे यहाँ, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि सात समुद्र पर भारत से इतनी दूर रह करके और फिर भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय रिचुअल्स को आप लोग मानते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और आपने तपस्या की, और विशेष धन्यवाद एक बार सब लोगों की ताली बजाइए, कर्मचारी के लिए, जो जी के लिए भी ताली, एक बार हमारे राम मंदिर के लिए भी ताली।
धन्यवाद। एक बार राकेश पंडित जी के लिए ताली बहुत बड़ी। अब ये कार्यक्रम का हमारा संपन्न हुआ, आगे का क्या कार्यक्रम है? अच्छा पहले इसमें तो आरती कब होगी? आरती कर लेते हैं सब लोग, तुलसी माता जी की खड़े होकर थी आरती करें। सबके पास आरती है? आरती के पास नेक्स्ट लेंगे जी। आरती के आपने कोई आरती पिछले बार दी थी, वो आरती गाई है ना? हाँ हाँ। वो कहाँ है आपके पास? आपने कर लिखी थी पिछले बार लास्ट टाइम। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, जग की सुख निवारे, जग की सुख निवारे, सब सुख की दाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, जग की सुख निवारे, जग की सुख निवारे, सब सुख की दाता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर भोग लाई नीचु, मैया भोग लाई नीचु, भोग से रक्षा करी, भोग से रक्षा करी, तुम्हें भरसा ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, हरि दुख निवारे, जग की दुख निवारे, सब सुख की माता। Thank you.
वाणी सहित तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वेदेव शान्तिब्रह्म शान्तिस्रवकौ शान्ति शान्तिरेव शान्तिसहमा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शान्तियो तुलसी महारानी की जय सालिग्राम भगवान की जय विष्णु भगवान की जय श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भगवान को भोग लगा दें और फिर जो भी ब्रेकफास्ट है वो खाएं और समीर जी भजन गाने के लिए आ गए। नो स्वामी नीरू विल सिंग टुडे। You're going to sing. No, I just wanted everybody. I just wanted everybody to join me in wishing George and Sarita happy anniversary. Oh. So it's the anniversary today, and we have to thank them very much for bringing. We have 51 tulsi plants. So when you're going home, this is a gift for everybody from George and Sarita. So there's a plant, there are 51 plants. So there's one for everybody. I think we have enough, right? 51. Wonderful. Give the mic. Sarita didn't have the mic. I didn't compose a song. सबसे पहले मैं राम मंदिर के सब मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी उनकी से बिना मेरा जो होता नहीं काम पूरा और बाकी सब लोगों की सहायता के लिए एवरी बॉडी हेल्प मी वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट वेरी मच थैंक यू And for those of you who haven't been here before, every Friday night Swami is here reading from the Ramayana, and you're welcome to come on Fridays and Tuesdays. Thank you. There will be snack now and then bhajan. Not Neeru. Not you. So your true name, Swami and Neeru. Chandra Bhajan. Ah, yes. Swami, you wrote this last year. So I went to make copies for everybody. Everybody must take a coconut.
Thank you.
Thank you.